आपको क्या करना है पेंडेमिक के बाद, आपको क्या करना है, तो आपको लोगों से बात करनी है। आज लोग सोशल डिस्टेंसिंग में है, डिस्टर्बेंस में है, वो चाहते हैं एक दूसरे को मिलने को, लेकिन थोड़ा सा तरसते एक दूसरे को मिलने को, तरसते ना एक दूसरे को मिलने को, लेकिन एक थोड़ा सा डर है मन में। हमको क्या करना है, वी नीड टू गो फार्मिंग नॉट हंटिंग, स्टॉप हंटिंग। आपको शिकार नहीं करनी है, बाहर निकल के इसको पकड़ ले, इसको एडिक्शन में ला दे, उसको एडिक्शन में जोड़ दे, उसको प्रोडक्ट खिला दे, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको किसान बनना है। एक बार वो सीड लगा दो, एक बार वो पौधा लगा दो, आपके लिए वो वट वृक्ष, वो झाड़ अपने से फल देने को शुरू हो गया। लेकिन जब अगर आप हंटिंग करते हो, किसी के वहां आप शिकार करने जाते हो कि इसको मुझे पकड़ना है, इसको मुझे प्रोडक्ट बेचते हैं, इसको खिलाने, ये नहीं होगा। अगर ऐसा करने जाओगे तो आप उधर प्रॉस्पेरिटी नहीं पाओगे, उधर आपका जो आप मन में इच्छा लेके जाते हो वो वाइब्रेशंस, वो लहरें लोगों तक पहुंच जाती है कि कुछ मुझे ये बेचने आया है। तो हमको अभी पहले क्या करना है, आफ्टर दिस लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन में भी जो पैनोरमा हमको खड़ा करना है उसमें याद रखना है कि हमको गो फार्मिंग करना है, स्टॉक हंटिंग मतलब शिकार नहीं करनी, हमको पौधे लगाने, हमको लोगों को जोड़ना है, एक साथ लाना है, एकजुट लाना है। हंटर क्या करता है और फार्मर क्या करता है, दिस इज अ अप्रोच हाउ यू टेक इट टू द अदर्स। आप लोगों के पास जब जाते हो तो वो भाप लेते हैं कि आप किस चीज के लिए आए हो, आप क्या करना चाहते हो उनके साथ, वो भाप लेते हैं। अगर आप उसके पास शिकारी की तरह जाओगे तो आप क्या करोगे, उसको मार डालोगे। एक शिकारी क्या करता है, वो मारने के लिए जाता है ना, किसी को संभालने के लिए तो नहीं जाता है ना, मारने के लिए जाता है। लेकिन अगर फार्मर के हिसाब से जाओगे, किसान के हिसाब से जाओगे, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से प्यार से उसको बड़ा करोगे, उसको शेयरिंग करोगे, केयरिंग करोगे, अच्छे से उसको निभाओगे, उसको आगे बढ़ाओगे, उसके लिए हेल्पिंग हैंड बनोगे। हंटर के पास एजेंडा क्या रहता है, इसको मैं कुछ ऐसे बेचू कि मेरा फायदा हो जाए, एक एजेंडा रहता है कि मुझे इससे कुछ तो लेना है, उससे निचोड़ना है, तो एक वो किलर की तरह मन में एजेंडा रहता है। लेकिन फार्मर क्या एजेंडा रखता है, नहीं, वो ये सोचता है अच्छे से बारिश हो, अच्छे से खेत बढ़े, अच्छे से फसल हो, ताकि मैं लोगों तक, ये उसका एजेंडा क्या रहता है, लोगों तक ये मैं पहुंचाऊ, ना कि उससे निचोड़ के मैं खुद खाऊ, उसको लोगों तक पहुंचाने का एजेंडा रहता है, उसको अपना खुद का एजेंडा नहीं रहता है। आई विन यू लूज। शिकारी क्या कहता है कि मुझे शिकार मिल गई, यानी मैं जीत गया, लेकिन आप हार गए। लेकिन फार्मर क्या कहता है, पहले तू जीता, फसल आपके लिए है, फिर बाद में मेरे घर पे भी चूल्हा जलेगा। यू वॉन्ट टू बी हंटर और यू वॉन्ट टू बी फार्मर, किसान बनना चाहते हो कि आपको शिकारी बनना है, किसान बनना चाहते हो, यस। नो वन वॉन्ट्स टू नो योर कंपनी, कोई भी नहीं जानना चाहता आप कौन से कंपनी में हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नो वन वॉन्ट्स टू नो योर अपॉर्चुनिटी, आप क्या अपॉर्चुनिटी लेके आए हो, क्या बेचना चाहते हो, देना चाहते हो, नो वन वॉन्ट्स टू नो। नो वन वॉन्ट्स टू बी सोल्ड, कोई ये नहीं चाहता कि आप उसके पास कुछ लेके जाओ और कुछ बेचो, और या तो उसको आप खरीदो, नहीं चाहते। योर जॉब इज टू एड अनदर ऑप्शन, उनके लिए बी सोर्स, एक एडजस्ट, एक एडिशनल सोर्स के हिसाब से आपको उनके पास जाना है। गिव देम वैल्यू, उनको महत्व दो। हर आदमी नेता हो या अभिनेता हो, सम्मान के लिए तरस जाता है, बराबर है। अगर आप उनको कीमत देते हो, अगर उनको इम्पोर्टेंस देते हो, उनको वैल्यू देते हो, तो वो आपको वैल्यू जरूर देगा। यू आर हियर टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, आप खुद ही एक ब्रांड हो, कंपनी तो ब्रांडेड है, लेकिन जब आप किसी के पास जाते हो तो कंपनी वहां पे नहीं आती, द ब्रांड इज यू। वो आपको जानता है, आपको पहचानता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है। क्रिएट योर यूनिक वैल्यू, आपका वैल्यू इतना क्रिएट करो ताकि वो आपको अटेंड करे। अगर आप चने वाले के पास भी जाते हो ना, और किसी चने वाले को बोलते हैं, पंडित जी जरा कुरमुरे दे दीजिए, मैंने एक्सपीरियंस किया है, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंसी के वक्त, वो सबको बाजू में
रख के मुझे वो कुरमुरा और चना देता था बिकॉज आई रिस्पेक्टेड हिम लाइक अ पंडित. कोई भी अगर आप अप्रोच करते हो, किसी के पास भी जाते हो, अगर उसका थोड़ा सा भी आप वैल्यू देते हो ना, वो वही वैल्यू आपको रिटर्न में देता है. तो वही यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक वैल्यू आपको करनी पड़ेगी. खुद की पर्सनालिटी को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. लोग आपको चाहेंगे, आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा. चाहते आप किसी को जाके कर रहे यार जुड़ जा, डू यू वॉन्ट टू डू दैट कन्विंसिंग? नहीं, हम चाहते कि लोग हमारे पास आए, हम उनको वैल्यू दे, वो हमको वैल्यू दे और उसमें से हम कुछ अच्छा सा निर्माण कर सके. इससे क्या होगा? कनेक्शन ऑफ ऑनेस्टी. जब लोग आपको जानने लगेंगे कि आपसे उनको क्या मिल रहा है, वो जानना चाहते हैं कि आपसे उनको क्या मिल रहा है. जब वो जानेंगे दे आर गेटिंग द ऑनेस्टी, द कोल्ड मार्केट विल गेट वार्म एंड इट विल टर्न टू द हॉट. मतलब लोग आपसे आसानी से जुड़ना और आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, वो आपको पसंद करना शुरू करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे. आप मुझे बोलिए, जिसको आप पसंद नहीं करते उसके साथ काम करना चाहोगे? जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ काम जरूर करोगे, बराबर है? जो आप छोटे बच्चे भी होते हैं तो हम उनको प्यार से बोलते हैं, बाबा ये मत कर, मैं तुझे अच्छे से कुछ तो दे दूंगा. प्यार का जो टोनिंग बच्चों के साथ होता है, वो ही अप्रोचिंग है, डेवलपमेंट है, वो ही ब्रांडिंग है. अपनी पर्सनालिटी ब्रांडिंग होनी बहुत जरूरी है. टर्न द कोल्ड मार्केट टू द हॉट मार्केट. जो लोग आपसे जुड़ने वाले नहीं है, आप जानते हो, लेकिन आप उनको अच्छे से कुछ देना चाहते हो, डीएक्सएल में ज्वाइन करना चाहते हो, डीएक्सएल में बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, उन तक अपॉर्चुनिटी देने चाहते हो, उन कोल्ड मार्केट को आप हॉट मार्केट बना सकते हो. नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन करती हूं. आज घर जाते वक्त पूछ लीजिए और घर पे जाते वक्त भी पूछ लीजिए, किसान बनोगे या शिकारी बनोगे? अगर किसान बनना चाहते हो तो डीएक्सएल में माला माल हो जाओगे, हंटर बन के जाओगे, शिकारी बन के जाओगे, तो शायद कोई भी चीज में, मैं पूछ सकती हूँ, कोई भी चीज में आप कोई भी जो आप हासिल करना चाहते हो वो नहीं पाओ.